इस मॉड्यूल में हम फाइलम एकाइनोडर्मेटा की क्लास क्रीनॉइड्स के इम्पॉर्टेंट मेंटेनेंस फंक्शंस लाइक रिजनरेशन रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन गैस एक्सचेंज एक्सक्रीशन क्रीनोइड्स के अंदर ऑल दिस फंक्शंस आर सिमिलर थ्रू आउट द ऑल क्लासेज ऑफ एकाइनोडर्म्स कोई भी क्लासेज हो ये बेसिक जो है फंक्शंस उसके अंदर सिमिलर है क्रीनाइड जो हैं फीडिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं आउटस्ट्रेस्ड आर्म्स फॉर सस्पेंशन फीडिंग फिर चूंकि ये ऑर्गेनिजम्स दे ऑल लिव इन सी वंस दे लिव इन द सी, तो ये फ्री फ्लोटिंग होते हैं तो अपने अंदर जो फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनिजम्स प्लैक्टॉन्स वगैरह को एज अ फूड जो है ये यूज़ करेंगे तो इनके साथ जो है ट्यूब फीट के साथ कोई भी प्लैक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं वंस दे कॉन्टेक्ट द ट्यूब फीड उसके म्यूकस के साथ ये ट्रैप हो जाएंगे ट्रैप होने के बाद जो एम्बुलेक्रल ग्रूफ का सीलिया है दे विल बीट एंड बाय द बीटिंग एक्शन ऑफ द सीलिया फूड इज़ यूजुअली पुश्ड इनटू द माउथ ऑल दिस फीडिंग ऑफ मेथड जो है दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न एकाइनोडम्स मॉडर्न एकनोडम्स जो हैं ये यूजुअली अपने वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है उसको भी फीडिंग पर्पस के लिए ये यूज़ कर लेते हैं अब क्रीनाइड्स जो हैं एज कम्पेयर टू अदर क्लासेस ऑफ एकाइनोडम लाइक एस्टेराइडिया एंड हॉलोथोराइडिया क्रीनाइड्स दे आर नॉट हैविंग नर्व रिंग इसके अलावा जब वंस दे डोंट हैव द नर्व रिंग तो उसके लिए कोई तो सब्सटीट्यूट स्ट्रक्चर बॉडी में मौजूद होगा जो कि कोऑर्डिनेशन और नर्वस का रोल प्ले कर सके वो स्ट्रक्चर जो है इसमें देयर आर कप शेप्ड नर्व मासिस एंड दीज कप शेप्ड नर्व मासिस जो हैं दे आर प्रेजेंट बिलो द कैलेक्स एंड दे यूजुअली गिव राइज टू अनदर काइंड ऑफ नर्व्स विच आर नोन एज द रेडियल नर्वस रेडियल नर्व्स जो है देंड इन टू द ईच आर्म ऑफ द क्रीनाइड्स एंड दे कंट्रोल द ट्यूब फीट एंड आम मस्कुलेचर अब क्रीनाइड्स में रिप्रोडक्शन का हमने कहा कि तमाम इकाइनोडर्म्स के अंदर एक ही जैसा प्रोसेस है जब एक ही जैसा प्रोसेस है तो वी कैन कंक्लूड आर वी कैन गिव अ जेनेरिक स्टेटमेंट दैट एकाइनोडर्म्स आर डायोशियस वंस दे आर डाओशियर्स दे मेल फीमेल देर विल भी गोनेड्स गोनेड्स विल प्रोड्यूस द गैमीड्स अब गैमीट्स जो हैं दे आर नॉर्मली फॉर्म फ्राम द जरमिनल एपिथीलियम और ये बनेंगे सिलोम में एंड आर रिलीज आउट द बॉडी बाय द रप्चरिंग ऑफ द बाल्स ऑफ आर्म्स इन ईच एनिमल कुछ स्पीशीज जो हैं

मेटामॉर्फोसिस में लार्वा जो है दिस विल अटैच टू द सबस्ट्रेटम और यूजुअली जो अगर हम बात करें जिस जनरेशन के प्रोसेस या मैकेनिज्म की दिस इज आल्सो वेरी ऑब्वियस इन ऑल ए काइनोडम्स तो इन दिस क्लास आल्सो द रिजनरेशन प्रोसेस इज आल्सो वेरी एक्टिव वंस द एनिमल इज़ इंजर्ड इट रिगेन्स इट्स लॉस्ट बॉडी पार्ट एंड फ्राम द लॉस्ट बॉडी पार्ट द होल ऑर्गेनिजम कैन ऑल्सो बी रीजनरेटेड so all these um, organisms of a kinoderm they are having similar phenomena of reproduction regeneration and development